बिल्कुल अलग तरह का हास्य आपको आनंद देगा। इतना मासूम हो सकता है हास्य, आप लोगों को कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप तक सीधे बात पहुंच जाएगी सब। डेरे की गुफा में हमेशा राज करोगे, कुटिया को भूल जाओगे, महलों में रहोगे, मिलकर के हनी प्रीत आशा राम से बोली, मिलकर के हनी प्रीत आशा राम से बोली, बाबा जी आप क्या मेरे पापा जी बनोगे, बाबा जी आप क्या मेरे पापा जी बनोगे, चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। बहुत अच्छे, मैं तो अद्भुत ही कवि हूं जी। क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है खड़ा हो जा, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो, मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। संस्कृत क्या अध्यापक आए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। हिंदी का अध्यापक आए, बोले लड़की में बड़ी ही की मात्रा लगेगी कि छोटी ही की। मैंने कहा जी पहले लड़की दिखाओ, लड़की बड़ी हुई तो बड़ी की, छोटी हुई तो छोटी की। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। हिंदी का अध्यापक ने अगला प्रश्न किया, बोले हाथ कंगन को आरसी का इसका मतलब बताओ। मैंने कहा जिसका मतलब है जो महिलाएं हाथ में कंगन पहन के गाड़ी चलाती हैं, पुलिस वाले उनकी आरसी चेक नहीं करते। वाह, चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। गणित का अध्यापक आए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 महीने के लिए दिए, तो 10 महीने बाद कितना लौटाएंगे। मैंने कहा जी वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते। मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। सामान्य ज्ञान के अध्यापक आए, बोले रामनवमी क्यों मनाई जाती है। मैंने कहा क्योंकि आज के दिन भगवान राम 8वीं पास करके 9वीं में गए। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। विज्ञान के अध्यापक आए, बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का। मैंने कहा जी बच्चे का चेहरा मोहरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं, हीरा दे मुझको उसका भी मैं पन्ना बना दूं, टोपी वो बेचता हुआ बोला कि बाबूजी ला 20 रुपए दे मैं तुझको अन्ना बना दूं। वाह वाह वाह, ला 20 रुपए। और अगली 4 लाइनें आपको फिर हास्य व्यंग से गुदगुदा देंगी। मैंने कहा कि 10 की टोपी 20 में देगा, ऐसे तो भ्रष्टाचार और भूल भलेगा, आंखें दिखा के मुझसे वो बोला कि बात सुन तू 10 रुपए में सिर्फ केजरीवाल बनेगा, तू 10 रुपए में सिर्फ केजरीवाल बनेगा। मैं सच बता रहा हूँ सब, आप सबने देखा होगा वो 1 साल पहले बयान दिया था केजरीवाल जी ने, पुलिस 6 महीने के लिए मेरे हवाले कर दो। मैं उनके घर गया, मैंने कहा कमाल है केजरीवाल जी, पुलिस भी आपके लिए यही कह रही थी। 4 लाइनें और सुनिएगा। पिछले दिनों हमने नोटबंदी का एक पूरी बरसी मना ली, 1 साल हो गया। नोटबंदी जब हुई तो कैसा माहौल था, क्या था, उसके बाद एक छोटी सी विशेष कविता, क्योंकि आप सब परिवार के साथ बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा, मैं अपना स्थान लेता हूं। नोटबंदी हमारे लिए कैसा बीता, उसको हास्य के तरीके से आप लोग एंजॉय किए कीजिए, आप तक बात पहुंचती है सर। स्वागत भाई, स्वागत। सरकार से जो खाई है वो चोट बदल दे, दिल में जो छुपी है वही एक खोट बदल दे, मुद्दत के बाद बैंक की लाइन में मिली वो, मुद्दत के बाद बैंक की लाइन में मिली वो, अब इश्क लड़ाते कि यार नोट बदलते, अब इश्क लड़ाते कि यार नोट बदलते। एक कविता विशेष मैं यहाँ पर सुनाना इसलिए आवश्यक समझता हूँ कि आप सब लोग पूरे